हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल जॉयफुल। आज हम बनाएंगे स्वीट डिश पायसम चने दाल के साथ, और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और ट्राई कीजिए इसको। स्वीट पायसम बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुकर में चने की दाल ली है, इसको हमने पानी में भिगोया था, फिर हम इसे कुकर में डाल लिया है। इसे हम 4 सीटी होने तक हम इसे पकाएंगे। अभी हमारी दाल अच्छे से पक गई है, इसे हम अच्छे से स्मैश कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे गरम पानी कर लिया है, इसमें अभी हम गुड़ ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से पिघल लेंगे। आपको जितना स्वीट चाहिए उतना आप गुड़ ऐड कर सकते हो। अभी हम इसे अच्छे से बॉईल करके इसे अच्छे से गला लेंगे। दाल ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कार्डमन एंड थोड़ा बड़े सूप ऐड कर लिया है, इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इस मिक्सर को इस स्वीट में ऐड करेंगे, ये डालना ज़रूरी है स्वीट में। यहाँ पर मैंने किसा हुआ नारियल लिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वीट डिश में, ये डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्वीट को। अभी हमने यहाँ पे राइस फ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस फ्लोर की स्लरी हम बनाएंगे। थोड़ा पतला इसे कर लेना है। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए इसमें। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा तेल हम गरम कर लेंगे, तेल के अलावा आप घी भी ऐड कर सकते हो। अभी हम इसमें हमारा गरम ऑयल ऐड करेंगे। अभी हम इसमें राइस फ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे। अगर हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो थोड़ा हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। अभी हमारी स्वीट पायसम बनकर रेडी हो गई है, आप भी ऐसे घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी स्वीट पायसम बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए।